बीजेपी आज 3 केंद्रीय मंत्री को बतौर पर्यवेक्षक 3 राज्यों में भेजेगी। भोपाल, जयपुर और रायपुर भेजे जाएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। भोपाल, जयपुर और रायपुर में 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक। एमपी सीएम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का दावा, रविवार तक हो सकता है सीएम का ऐलान, एक दर्जन नामों पर चर्चा। पीएम मोदी से लगातार तीसरे दिन मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, माना जा रहा है सीएम के नामों पर हुई चर्चा। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने की अमित शाह से मुलाकात, लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद की मुलाकात। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नड्डा से मिली वसुंधरा राजे, बेटे दुष्यंत के साथ पहुंची जेपी नड्डा के घर। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह पर लगा है विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। सीकर रोड पर बने रिजॉर्ट में विधायकों को ले जाने का आरोप। एमएलए ललित मीना के पिता ने दुष्यंत सिंह का नाम लिया, कहा दुष्यंत के कहने पर रिजॉर्ट गए थे विधायक। हेमराज मीना ने कहा विधायक कंवलाल ने रिजॉर्ट से बेटे को जाने से लाने से रोका, मैंने बाड़ेबंदी की खबर सीपी जोशी को दी, दुष्यंत सिंह ने फोन नहीं उठाया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने लॉबिंग की खबरों का बताया गलत, कहा विधायकों के बाड़ेबंदी की कोई बात नहीं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी से किया इनकार, कहा हमारे विधायक को कोई रोक नहीं सकता। बागी विधायक चंद्रभान सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीजेपी से बगावत कर लड़ा था निर्दलीय चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने मंजूर किया तोमर का इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे नए कृषि मंत्री, मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा सौंपा गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की जिम्मेदारी बढ़ी, मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया। यूपी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई, जेपी नड्डा से की गई मुलाकात। दिल्ली में आज से कांग्रेस की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक, 3 राज्यों में मिली हार पर होगी समीक्षा। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेता रहेंगे मौजूद। दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ में हार पर होगी समीक्षा। कांग्रेस की बैठक में शाम 4:30 बजे एमपी में मिली हार की होगी समीक्षा। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे राजस्थान और मिजोरम की होगी समीक्षा। जैसे ही ईवीएम के बारे में बोले बीजेपी को लगती है मिर्ची, भूपेश बघेल का निशाना। भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने का प्रदर्शन, राजभवन के सामने ईवीएम के पोस्टर पर पोती स्याही। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने मुंह पर लगाया काला टीका, दिग्विजय सिंह बोले ताकि नजर ना लगे। महुआ मोहित्रा कैश फॉर क्वेरी मामले पर एथिक्स कमेटी आज लोकसभा में पेश करेगी रिपोर्ट, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय एथिक्स कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट, कमेटी ने की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत की समीक्षा। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ मोहित्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने की सिफारिश, कमेटी के 6 सदस्यों ने महुआ मोहित्रा के निष्कासन पर जताई सहमति। एथिक्स कमेटी के 4 सदस्यों से असहमति नोट पेश किए गए थे, विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया, सदन की सहमति के बाद ही निष्कासन संभव। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की मांग की, कहा जल्दबाजी में आई ड्राफ्ट रिपोर्ट। महुआ मोहित्रा को मिले बोलने का मौका, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले मैंने स्पीकर से अपील की। महुआ मोहित्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बोले दिलीप घोष सब कुछ संसद की प्रक्रिया के मुताबिक होगा। महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के मंत्रियों को बताया महिला रोधी, कहा गिरिराज की मांगनी चाहिए माफी। गिरिराज के समर्थन में उतरे शुभेंदु अधिकारी, कहा सीएम और पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा। गिरिराज के खिलाफ टीएमसी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, माफी मांगने की मांग की। मिजोरम के नए सीएम लाल धुमा का आज शपथ ग्रहण समारोह, राज्यपाल डॉक्टर हरी बाबू सुबह 11 बजे राजभवन के लॉन में दिलाएंगे पद की शपथ। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, सुबह 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को करेंगे संबोधित, देहरादून के वन अनुसंधान केंद्र में आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी देश विदेश से आए उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात, 2 दिन चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को लिखी चिट्ठी, कहा नवाब मलिक युति में नहीं ले रहे सकते।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा नवाब मलिक पर गंभीर आरोप, कहा आप हमारी भावनाओं का ख्याल रखेंगे उम्मीद है। फडणवीस के लेटर पर बोले आशीष शेलार, कहा बीजेपी का स्टैंड क्लियर, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश। देवेंद्र फडणवीस के लेटर को लेकर बोले विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, कहा दोनों डिप्टी सीएम सब जानते हैं नवाब मलिक अजित पवार के साथी है। जितेंद्र आवाहन ने देवेंद्र फडणवीस के अजित पवार को लिखे पत्र को लेकर दिया बयान, फडणवीस ने क्या मांग की, अजित पवार ने क्या कहा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जितेंद्र आवाहन ने कहा शरद पवार एनसीपी गुट की भूमिका साफ, नवाब मलिक निर्दोष है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर सियासत तेज, अश्विनी कुमार चौबे बोले बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़के रविशंकर प्रसाद, माफी मांगने की मांग की, नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने रेवंत रेड्डी के बयान पर कहा जो भी कोई बिहारी के डीएनए पर सवाल करता है उसे माकूल जवाब मिलता है। शक्ति यादव ने कहा कांग्रेस पार्टी हार पर करे आत्ममंथन क्योंकि इंडिया गठबंधन को साथ में नहीं लिया। रेवंत रेड्डी के बिहारियों के डीएनए वाले बयान पर प्रशांत किशोर की दो टूक, बोले बिहारियों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा उनके आका के जो आका होंगे वो भी बिहार के लड़के यानी हमसे ही लेते रहते हैं सलाह। प्रशांत किशोर ने कहा जब तक हम दूसरे राज्यों में काम करने जाते रहेंगे बिहारी समझ कर लोग हम पर हंसते रहेंगे। नागपुर में बेमौसम बरसात के बाद फसल का नुकसान देखने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस, किसानों के खेत में जाकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने मौदा तहसील के कई गांव का दौरा किया, जल्द से जल्द मदद देने का दिया भरोसा। बेमौसम बारिश से तुअर, सोयाबीन और संतरा और कपास की फसलों पर भारी नुकसान, किसान मुआवजे की कर रहे हैं मांग। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लोगों को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, आग लगते ही आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी के इटावा में पुलिस की गिरफ्त से भागे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा, एक शख्स पर फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को किया था अरेस्ट। मेडिकल कराने ले जाते वक्त पुलिस का पिस्टल लेकर भागा बदमाश, पुलिस का पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने अवैध हथियार सहित पुलिस का पिस्टल भी बरामद किया। यूपी के मैनपुरी में लूट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास लूट के ज्वेलरी सहित एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। 26 नवंबर को हुई थी वारदात, बदमाशों ने शादी के लिए ज्वेलरी लेकर जा रहे लोगों से हथियार के बल पर की थी लूट। नोएडा पुलिस ने मोबाइल लूटने का प्रयास कर रहे एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश का एक साथी हुआ फरार। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली मारी, बदमाश के पास से लूट के कई मोबाइल बरामद। वाराणसी में एक होटल के कमरे में 4 टूरिस्टों का मिला शव, 3 दिन पहले होटल में रहने आए थे चारों टूरिस्ट। सुबह रूम का गेट नहीं खुलने पर होटल कर्मचारी ने पुलिस को किया फोन, पुलिस मामले की जांच में जुटी, सभी टूरिस्ट आंध्र प्रदेश के रहने वाले। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर शख्स ने की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में खाई में गिरी गाड़ी, 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सड़क पर बर्फ होने की वजह से फिसली गाड़ी, टूरिस्टों को लेकर जा रही कैब, सभी टूरिस्ट केरल के लिए रवाना हो गए। यूपी के अलीगढ़ में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़े जाने से सूख गई किसान की फसल, परेशान होकर किसान ने किया सुसाइड। गुस्साए परिजनों ने बिजली ऑफिस में शव रखकर किया प्रदर्शन, अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। नवी मुंबई में एक प्रेग्नेंट महिला ने सुसाइड किया, प्रेमी की शादी से इनकार करने के बाद उठाया कदम, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया अरेस्ट। यूपी के नोएडा में जीएसटी फ्रॉड रैकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, गिरोह का मास्टरमाइंड फरार। गाजियाबाद में वेटर मौत मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, शादी समारोह में आरोपियों ने वेटर को पीट पीट कर मार डाला था। राजस्थान के डिडवाना में एक कार ड्राइवर आया सामने, कहा करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणी के शूटरों को छोड़ा था सुजानगढ़। कार ड्राइवर ने दिया बयान, कहा शूटरों ने सुजानगढ़ के लिए कार किया था बुक, कार में बैठने के बाद शूटरों ने हिसार छोड़ने को कहा, मैं मना कर उन्हें सुजानगढ़ छोड़ा। ड्राइवर के मुताबिक सुबह मैंने हत्या का वीडियो देखा, वीडियो देख मैं समझ गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैंने रात को छोड़ा था। दिल्ली के बुराड़ी में एबीवीपी का
69वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे अधिवेशन का उद्घाटन। देश भर से 10,000 कार्यकर्ता हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल। इन्फिनिटी फोरम समिट का 9 दिसंबर को दूसरा एडिशन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी। पुतिन ने कहा पीएम मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता, भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए लेते हैं फैसले, उनके फैसले देखकर कई बार मैं चौंक जाता हूं। मेक्सिको सिटी में भूकंप से मची अफरा तफरी, रिक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता में आया भूकंप। भूकंप के झटके आते ही लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आए, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। गाजा पट्टी में 2 महीने से लगातार हो रही इजरायली हमले में अब तक 17,177 लोगों की मौत, ज्यादातर बच्चे, महिला और बुजुर्ग बन रहे हैं शिकार। इजरायल का दावा, उत्तरी गाजा में रिहायशी इलाकों से हमास के आतंकवादी दाग रहे एंटी टैंक मिसाइल। इसराइल ने जारी किया हमास के आतंकवादियों का वीडियो, रिहायशी इमारतों के पीछे नजर आए हमास के 6 आतंकवादी। इसराइल ने गाजा में आम नागरिकों की मौत के लिए ठहराया हमास को जिम्मेदार, कहा नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहे हैं इस्तेमाल। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी खुली चेतावनी, कहा हिजबुल्ला ने अगर जंग की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में तब्दील कर देगी इसराइली सेना। इसराइली सैनिकों के बीच आए पीएम नेतन्याहू ने कहा इसराइल जीत के इरादे से लड़ रहा है, हमास ने टेल अवीव पर किया रॉकेट अटैक, इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर एक स्कूल को बनाया निशाना। रॉकेट अटैक से स्कूल की इमारत को पहुंचा नुकसान, हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। हमास के रॉकेट अटैक के जवाब में इसराइल में किया गया एयर स्ट्राइक, धमाकों के साथ गाजा के आसमान में छाए धुएं का बादल। इसराइली सेना के मुताबिक मध्य गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना, कई ठिकाने हुए तबाह। इसराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में रिहायशी इलाके पर किया एयर स्ट्राइक, बमबारी में कई लोगों की हुई मौत। इसराइली हवाई हमले में कई इमारतें हुई तबाह, कई बच्चों सहित दर्जनों लोग हुए घायल। खान यूनिस में मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत कर्मी मलबे को हटाने में जुटे। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक खान यूनिस में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ IDF कर रही है कार्रवाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मॉस्को में मुलाकात की। इसराइल हमास जंग में मध्यस्थता का रखा प्रस्ताव। टीम इंडिया में वापसी के लिए हार्दिक पांड्या का हाज वर्क जारी, जिम में वर्कआउट करते दिखे। बांग्लादेश न्यूजीलैंड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द, बांग्लादेश अब 117 रन से आगे। एबी डिविलियर्स बोले SA20 में जल्द खेलेंगे इंडियन प्लेयर्स, 10 जनवरी से शुरू होगा सीजन 2। इंग्लैंड ने दूसरे मुकाबले